नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बज। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपके पास ईएसआईसी के लिए कौन सा मॉक टेस्ट आपको परचेज करना चाहिए और किससे ज़्यादा फायदा होगा। तो सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यहाँ पे ये अड्डा का जो है ना, अड्डा का आप टेस्ट सीरीज खरीद सकते हैं, क्योंकि इनका जो टेस्ट सीरीज होता है बिल्कुल नए पैटर्न पर होता है, लेटेस्ट होता है और कोई भी प्रमोशन नहीं है इनका। सबसे पहले आपको जब खरीदेंगे तो यहाँ FAB75 कूपन कोड लगा लीजिएगा, नहीं तो यही टेस्ट सीरीज आपको 499 की जगह पे लगभग 2000 रुपये में मिलेगा। तो ये खरीद सकते हैं अगर पैसा है तो, अगर पैसा नहीं है, कम पैसा है तो कम पैसे में अगर आपको टेस्ट खरीदना है। यहाँ पे जो आपको टेस्ट मिलेंगे फ्री भी मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं यहाँ फ्री भी मिल जाएंगे, एप्लीकेशन पे भी मिल जाएंगे, मतलब एक टेस्ट आप फ्री दे सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, अगर खुल जाता है तो मैं आपको दिखाने का कोशिश करता हूँ कि फ्री वाला टेस्ट कैसा है। ठीक है, अभी नहीं खुल रहा है, यहाँ पे हो सकता है कि मैंने लॉगिन नहीं किया इसलिए नहीं खुल रहा है। लॉगिन करूँगा तो ये टेस्ट आप दे सकते हैं, ठीक है, फ्री में दे सकते हैं। तो अड्डा का जो टेस्ट होता है बिल्कुल नए पैटर्न पे होता है, तो ये खरीद सकते हैं। या कम पैसे में खरीदना है तो टेस्ट बुक के पास जा सकते हैं, उनके आप मॉक टेस्ट को परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे ये तीन तरीके से देंगे, चैप्टर वाइज दे देंगे, सेक्शनल दे देंगे और फुल टेस्ट दे देंगे। ये सस्ता होता है, टेस्ट बुक सभी के पास होता है, 299, 270, 280 में कुछ मिल जाता है। कूपन कोड किसी का होगा तो लगा सकते हैं यहाँ पे। और टेस्ट बुक का भी टेस्ट है, मतलब प्रैक्टिस के लिए अच्छा है, ठीक है, बैगर्स एड्रेस से अच्छा नहीं है बट प्रैक्टिस के लिए अच्छा है, ठीक है। अगर टेस्ट बुक से ही काम चलाना है तो दूसरे टेस्ट भी आप ले सकते हैं। जैसे मैं दिखा दूं यहाँ पे RRB असिस्टेंस का, मान लीजिए कि आपने टेस्ट खोला हुआ है तो यहाँ पे आपको जाना है मेमोरी बेस्ड पेपर में, इससे बेहतर कुछ नहीं है, ये बैंकर शड्डा से भी बेहतर है। अब इसमें आप देखिएगा, केवल आप क्या कीजिए, मेमोरी बेस्ड पेपर जो RRB असिस्टेंस में पूछा गया है केवल उनको सॉल्व कर लीजिए और कुछ नहीं कीजिए, केवल उनको सॉल्व कर लीजिए मेमोरी बेस्ड पेपर को, ठीक है। ये सभी लिंक मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूं ताकि आप आसानी से यहाँ पे चले जाए, ठीक है। इनके मेमोरी बेस्ड पेपर पे आपको जाना है। अब यहाँ पे 8 पेपर दिया हुआ है, 8ों पेपर को बना लेना, ठीक है। तो यहाँ पे सस्ते में आपको अच्छा काम चल जाएगा, 8ों पेपर मेमोरी बेस्ड आपको मिल जाएगा। मेमोरी बेस्ड से फायदा क्या होगा कि लेटेस्ट पैटर्न का आपको आइडिया होगा और RRB कलर से बहुत ज्यादा आइडिया होने वाला है, क्योंकि ये कलर के लेवल का एग्जाम है। दूसरा आप देख सकते हैं IBPS RRB PO का भी आप बना सकते हैं, यहाँ भी बहुत ज्यादा हार्ड लेवल आपको देखने को नहीं मिलेगा और यहाँ भी सेम आपको मेमोरी बेस्ड में चले जाना। अब यहाँ मेमोरी बेस्ड में 10 टेस्ट पेपर दिया हुआ है और मैंने पहले से भी दिया हुआ है, तो आप 2022 वाला देखिएगा, मैंने लगता है कि 2021 का भी दिया है, देखिए 30 जून 2021 मेमोरी बेस्ड पेपर आपको मिल जाएगा ये। तो 2021 में भी जो एग्जाम हुआ है वो भी आपको मिल जाएगा और नए पुराने सारे एग्जाम मिल जाएंगे, ठीक है। तो नया वाला आप खोलिएगा, मेमोरी बेस्ड पेपर देने का कोशिश कीजिएगा। उसके बाद आपको कलर का इसी तरह टेक्स्ट बुक में मेमोरी बेस्ड पेपर देना है, केवल आपको क्या करना है, मेमोरी बेस्ड पेपर देना है, परचेज करना है और मेमोरी बेस्ड पेपर देना है। तो यहाँ देखिए 13 मेमोरी बेस्ड पेपर है और यहाँ पे जब आप देखेंगे तो यहाँ पे दिसंबर 2021 का भी है, जो अभी हाल फिलहाल में एग्जाम हुआ उसको भी ऐड किया गया और नए पुराने सब मिल जाएंगे आपको। तो इससे फायदा क्या होगा कि आपका जो तैयारी होगा बिल्कुल नए पैटर्न पे होगा। और इनके मेमोरी बेस्ड पेपर में क्या हो जाते हैं ना, मैं आपको दिखाता हूँ, इनके मेमोरी बेस्ड पेपर में आपको सेक्शनल टाइमिंग हालांकि देखने को मिलेंगे जैसा कि एग्जाम में था, बट तीनों सेक्शन बहुत ही अच्छे तरीके से कवर किया गया है, ठीक है, तीनों सेक्शन बहुत ही अच्छे तरीके से कवर किया गया है और हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलता है इनका मेमोरी बेस्ड पेपर और इस तरह के कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो मेमोरी बेस्ड पेपर बनाने से बहुत ज्यादा फायदा होगा आपको, ठीक है। तो ये तो आप कर ही लीजिएगा। अब हम बैक करते हैं, यहाँ पे पॉज करते हैं टेस्ट को फिलहाल, और यहाँ पे आगे जब जाते हैं तो यहाँ पे SBI का भी चाहे तो आप दे सकते हैं मेमोरी बेस्ड पेपर। कोई भी एग्जाम उठाइए उसका मेमोरी बेस्ड पेपर बना लीजिए, इससे बेहतर कोई भी तैयारी होगा नहीं। तो अब टेस्ट बुक का खरीदिए, सस्ता भी मिलेगा, मेमोरी बेस्ड पेपर भी मिल जाएगा। तो यही आप लोगों को बताना था, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा सभी मेमोरी बेस्ड पेपर का। आपको कुछ नहीं करना है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि यहाँ पे आपको क्या करना है। जैसे ये मैंने खोला हुआ है तो यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज में जाना है, तो टेस्ट सीरीज में हम चले गए। अभी जैसे मैं रेलवे ये सब का यहाँ सेलेक्ट करके रखा हूँ, तो आपको क्या करना है कि आपको बैंकिंग में जाना है, तो थोड़ा सा आप क्या करेंगे, नीचे चले जाएंगे, थोड़ा सा नीचे चले जाइए, बैंकिंग इंश्योरेंस यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक कीजिए, ठीक है। बैंकिंग इंश्योरेंस आपने क्लिक किया, देखिए सबसे पहले ESIC के 3 आ गए, UDC आ गया, MTS आ गया और 2021 आ गया, मतलब ये नया वाला होगा, बाकी पुराने वाले होंगे। उसके बाद आपको करंट अफेयर का एक मिल जाएगा बैंकिंग के लिए, उसके बाद SBI क्लर्क का यहाँ मिल जाएगा, तो SBI क्लर्क पे यहाँ क्लिक कर सकते हैं। नीचे जाएंगे तो बाकी सब एग्जाम का मिल जाएगा, IBPS क्लर्क मिल गया, उसके बाद आप जाएंगे तो IBPS RRB PO, फिर IBPS PO, मतलब जितने एग्जाम है ना सबके आपको मॉक टेस्ट यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। अब किसी को खोलना है, जैसे मान लीजिए RRB PO को ही खोलना है तो खोल सकते हैं, व्यू पे जाइए,
या ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा ना तो आपका वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। मतलब जो भी इनरोल था, जैसे माई टेस्ट सीरीज में जाएंगे तो अब क्या होगा, IBPS RRB PO भी ऐड रहेगा वहाँ पे, तो जिससे आप आसानी से उसको एक्सेस कर सकते हैं या फिर वहाँ जाके एक्सेस करना होगा। देखिए रिसेंट में यहाँ दिखा रहा है ना, यहाँ सब रिसेंट में दिखा रहा है कि रिसेंट में मैंने IBPS कलर के का टेस्ट को ऐड किया, तो वो क्या हो गया, ऐड हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ देखिए 1,16,000 स्टूडेंट इस टेस्ट को दे रहे हैं। तो जो भी पेपर आपको देना है ESIC के लिए, मेमोरी बेस्ड पेपर देना है या बैंकिंग की तैयारी करते हैं तो मेमोरी बेस्ड पेपर ही देने की कोशिश कीजिएगा। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मॉक टेस्ट आप के लिए कौन सा बेहतर होगा। अगर ये वीडियो दोस्तों अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज लाइक करके, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। चलिए इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोगों का काफी अच्छा रहे। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, थैंक यू।